हेलो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने साइंस के भौकाल के चैनल में, साइंस का भौकाल एक बार सुनते सुनिएगा, साइंस के भौकाल के चैनल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जिनका आने वाला है बोर्ड, और बोर्ड की वजह से उनका दिमाग है थोड़ा सा क्लोज, तो उनके दिमाग को खोलने के लिए मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिससे आने वाला है इस साल 5 से 6 नंबर का, और उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट वे में, कैसे आप उन क्वेश्चन को बोर्ड में जाकर सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे नंबर पाएंगे और पापा की मां से बच पाएंगे। चलिए तो मैं लेकर आता हूँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, तो चलिए हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जिसकी आपको है नीड। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी पूरी वीडियो को आप पूरा देखा करिए, क्यों सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, लाइक करिए या नहीं करिए, लेकिन कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और बेटा पूरी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, ना कि अपने लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे आते हैं बेटा। तो आज का चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आपको तो पता होगा बोर्ड हमारे पे काफी रहा है 2 सालों से मेहरबान, और तो बोर्ड ने हमारे पे मेहरबानी दिखाते हुए इस बार केवल हमें पढ़ना है हेरिडिटी, एवोल्यूशन को उसने कर दिया है साइड। तो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज अ हेरिडिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी आई कहाँ से। तो हेरिडिटी आती है बच्चों जेनेटिक्स से। किससे बच्चों? जेनेटिक्स से। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज अ जेनेटिक्स। तो बच्चों हम देखते हैं तो जेनेटिक्स क्या बेटा, तो ब्रांच ऑफ साइंस बच्चों। क्या जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये क्या डील करता है बच्चों? हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी डील्स का मींस है कि इसके अंदर स्टडी हम करते हैं तो हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। इसके अलावा जो स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, और जेनेटिक्स के बारे में बताया किसने था? तो आपको मैंने बताया जेनेटिक्स के जो फादर है बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, इन्होंने कब से कब तक अपना एक्सपेरिमेंट किया? तो वो किया था इन्होंने 1822 टू 1884 तक। चलिए तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब होता है इट मींस दैट ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे होता क्या है इसका, हेरिडिटी का मींस है बेटा कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है कोई भी चीज कैरी हो गया। अब यहां पे कैरी क्या हो रहा है बेटा? तो यहां कैरी हो रहा है फीचर्स। क्या कैरी हो रहा है जो फीचर्स कैरेक्टर और ट्रेट, और ये कैरी होके जा कहां रहा है? ये जा रहा है बच्चों वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहाँ जा रहा है बच्चों? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है। अब कैसे जा रहा है? सपोज करें कि ये हमारे पेरेंट्स होते हैं। कौन बच्चों? हमारे पेरेंट्स, ये हमारे फादर और ये हमारी मदर। ठीक है बच्चों, तो इनके जो कैरेक्टर है जो हमारे अंदर है, जो कि आपने सुना होगा बचपन में, अक्सर मम्मी पापा हमारे साथ बैठते हैं और हमसे कहते हैं कि देखो हमारा, हमारे बेटे का जो आंखें हैं, हमारे कलुआ का जो आंख है वो हमसे मिल रहा है, हमारा बबली का जो नाक है ये हमसे मिल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता बच्चों? आपके घर पे भी होता होगा, कहते होंगे पापा या मम्मी कि आपकी आंखें और नाक हमसे मैच करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके ये पापा और ये मम्मी, मतलब आपके नहीं किसी के भी हो सकते हैं, तो इनके जो कैरेक्टर है बेटा इनके बेटे के अंदर विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहा बच्चों? नेक्स्ट जनरेशन। तो आपके पेरेंट्स जो हैं, इनकी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कौन है बच्चों? अपने पेरेंट्स की, वो है आप। तो यानी जैसे कि मेरे मम्मी पापा या मेरे मदर फादर की जो जनरेशन है, उनकी जो जनरेशन मैं हूँ, अब मेरी भी शादी होगी, ठीक है, तुम सबको बुलाऊंगा नहीं मैं, तो ठीक है मेरी शादी होगी तो मेरे भी जो बेबी आएंगे उनके अंदर मेरे कैरेक्टर दिखाई देंगे, यानी जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी के बेस पे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। चलिए अब हमारा दूसरा है, लेकिन कुछ ऐसा रहता है जो हम अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग रहते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कौन से बच्चों? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के रिजल्ट है। तो हमारे अंदर वेरिएंट होता है, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि वेरिएशन क्या होता है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या है? तो रिजल्ट ऑफ पेरेंट, यानी कलुआ भलुआ का रिजल्ट है पलुआ, यानी समझ गए कि नहीं बच्चों? यानी आपके पेरेंट्स का जो रिजल्ट होता है, यानी हम सब क्या है? प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर होते हैं हमारे पेरेंट्स के, हमारे अंदर कैरेक्टर आते हैं, इसकी स्टडी बेटा हम हेरिडिटी के बेस पे करते हैं, ठीक है। और आता है वेरिएशन, क्या होता है बेटा? तो वेरिएशन वो होता है जो हमारे अंदर माइनटली चेंज होता है, वो 0.01% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, उसी को हम बेटा कहते हैं ब्लू प्रिंट। और उसी वेरिएशन की वजह से बेटा हम लॉन्ग टाइम तक इजिली सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है और
घट रहा है, ठीक है। तो जिसको सरवाइव करने के लिए हमारे अंदर जो अगर वेरिएंट नहीं होंगे तो हम इस अर्थ पर बेटा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए तो देखते हैं वेरिएशन क्या था। द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल, यानी ये डिफरेंस होते हैं, कौन डिफरेंस होता है इंडिविजुअल, किससे, अपनी स्पीसीज से और पॉपुलेशन से, और इसी डिफरेंशिएशन को बेटा हम कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएशन। अब कैसे डिफरेंस होता है देख लीजिए, सपोज करिए कि आपके अंदर जो कैरेक्टर है आपके पापा के, सपोज करो कि 48% आपके पापा कैरेक्टर आपके अंदर है, प्लस 51% मान लीजिए कि आपकी मम्मी का कैरेक्टर, यानी आपके फादर का कैरेक्टर कितना है बच्चों 48% है और मम्मी का 51% है, प्लस 1% जो आपके अंदर कैरेक्टर है, यही 1% बेटा लीड करता है किसको बेटा, वेरिएशन को। किसको लीड करता है बच्चों, वेरिएशन को। इसके बाद जो रिजल्ट आता है 100% वो कि आप खुद है या मैं खुद हूं बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था वेरिएशन क्या है, जो आप अपने फादर और मदर से 1% इमानिटी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 1% अगर आप डिफरेंस है जो वो डिफरेंशिएट किसको लीड करेगा बेटा, आपके वेरिएशन को, ठीक है बच्चों। तो ये होता कैसे बेटा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद आपका न्यूट्रिशनल रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं सपोज करो कि कोई है दो लोग की शादी हुई, अब वो यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश से कह लीजिए हमारे भारत से निकल के अब वो किसी एक ठंडे प्रदेश पे चले गए, तो वहां पे जो उनका बेबी आएगा ये लोग भले वहां की ठंडी को एब्जॉर्ब ना कर पाए, वहां को डाइजेस्ट ना कर पाए, बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन वो जो बेबी आएगा वहां के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को उसकी सेल जो है प्रिपेयर कर लेंगी, और वो इन दोनों लोगों का वो वेरिएंट होगा जो इजीली उस वेरिएंट वहां पे सरवाइव कर लेगा, लेकिन उसका जो बेबी आएगा वो और आसानी से सरवाइव कर लेगा। समझ में आए बच्चों, तो ये होता है वेरिएशन। थैंक यू और जय हिंद।